नमस्कार, INI न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बेंगलुरु में 14वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। बालाघाट पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यूपी चुनाव को लेकर बयान। झारखंड निमियाघाट थाना क्षेत्र के शंकरडीह में सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में मिली युवती की संदिग्ध अवस्था में लाश। लोहरदगा में 63वीं राज्य स्तरीय ओपन एथलेटिक मीट शुरू। मध्य प्रदेश के रतलाम में जननी एक्सप्रेस व्यवस्था हुई ठप। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का मामला, पुलिस ने किया अपराध पंजीबद्ध। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारी बर्फबारी से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। जबलपुर में हत्या के मामले में पुलिस ने 2 शूटर को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बेंगलुरु में 14 प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन में कहा कि मैंने विदेशों में रह रहे भारतीयों की समस्या को तरजीह देने की सलाह दे रखी है। विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम पासपोर्ट का कलर नहीं देखते, खून का रिश्ता देखते हैं। फ्रेंड्स, फॉर माय गवर्नमेंट एंड फॉर मी पर्सनली, एंगेजमेंट विद द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी हैज बीन ए की एरिया ऑफ प्रायोरिटी। आई मेट एंड स्पोकन टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ड्यूरिंग माय ट्रैवल्स अब्रॉड। द रेमिटेंस of close to $69 billion annually by the overseas Indians makes an invaluable contribution to the Indian economy. प्रवासी भारतीयों में देश के विकास के लिए अदम्य इच्छा शक्ति है, लेकिन आज मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, हम लोग जो ब्रेन ड्रेन की चर्चा करते थे, वर्तमान सरकार के इनिशिएटिव उस ब्रेन ड्रेन में से भी ब्रेन गेन के लिए है। हम ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलना चाहते हैं, और वो सब आप सबकी सहभागिता से ही संभव होने वाला है। सॉल्यूशंस ऑफ डिस्ट्रेस Faced by Indian nationals, we have reached out to ensure their safety, rescue and repatriation. Our External Affairs Minister, Srimati Sushma Swaraj ji, has particularly been proactive and prompt in reaching out the distressed Indians abroad using social media. Our motto is, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, विश्वास के साथ जाएं। फॉर दिस वी हैव स्ट्रीमलाइंड आवर सिस्टम्स एंड टेकन सेवरल मेजर्स टू सेफगार्ड इमिग्रेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यूपी चुनाव में पार्टी एमपी के कार्यकर्ताओं को जो कार्य सौंपेगी उसे पूरी निष्ठा के साथ करेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव का मध्य प्रदेश से इसलिए महत्व है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो विकास कार्य हुए हैं, खासकर यूपी के सीमा में लगे गांव में, तो यूपी के लोग उन सीमा वाले गांव का विकास देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि भाजपा शासित राज्य में सुशासन है और अच्छा कार्य करते हैं। उस दृष्टि से भी हमारे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश चुनाव में जाएंगे। प्रदेश के तीनों निकाय चुनाव में जीत को जनता का आशीर्वाद बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के 10 दिशाओं में विकास कार्य हो रहे हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार ने जो विकास कार्य किया है उसी के कारण आशीर्वाद दे रही है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बालाघाट में अल्प प्रवास पर आए हुए थे। आधे घंटे के इस प्रवास में उन्होंने RSS के प्रांतीय प्रचारक राजकुमार मटाले के आवास पर पहुंचकर शोक संतृप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई।
श्री मटाले की माता श्री भागरता बाई मटाले का 5 दिन पहले निधन हो गया था। इस शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए ही मुख्यमंत्री का लगभग आधे घंटे का यह प्रवास बालाघाट में था। मुख्यमंत्री ने किसानों को धान के भुगतान नहीं होने के सवाल पर कहा कि इस समस्या का भी निराकरण शीघ्र हो जाएगा। जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा के लिए समर्पित किया है, राजकुमार मटाले जी, उनके यहाँ माता जी का स्वर्गवास हुआ था, माता जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आया था। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस कार्यकर्ता को कहाँ काम करना है उसका फैसला करता है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जो काम सौंपेगी पार्टी उसको पूरी निष्ठा के साथ हम लोग करेंगे। मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश के चुनाव महत्व इसलिए भी है कि मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगे हुए गाँव जब वो विकास देखते हैं जी, तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि भाजपा शासित राज्यों में सुशासन है और अच्छा काम है। उस दृष्टि से भी हमारे कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे। सारी समस्याएं समाधान करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। झारखंड में गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के निमियाघाट थाना क्षेत्र के संकरडी के पास NH2 में बने पुल से एक बोलेरो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे बोलेरो सवार 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। निमियाघाट पेट्रोलिंग पुलिस द्वारा घायलों का इलाज हेतु मीना जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीरता को देखते हुए रांची रेफर कर दिया गया। दोनों मृतक बगोदर के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने बोलेरो को जब्त कर दोनों शव को पोस्टमार्टम हेतु गिरिडीह भेज दिया है। बोलेरो गाड़ी जिसमें 5 लड़का लोग 22 से 28 साल के बीच अंदाजा उम्र होगा, ये लोग निमियाघाट डुमरी तरफ से धनबाद की ओर जा रहा था और बैलेंस गड़वाने के कारण पुल के नीचे हेटवार के पास गाड़ी सहित पूरा गिर गया है, जिसमें स्पॉट डेथ 2 लड़का जो ड्राइवर और उसके बगल वाला था उसका हो गया है, मृत्यु हो गई है, और पीछे बैठा हुआ 3 व्यक्ति इंजर्ड है, घायल है, उसको हम लोग इलाज के लिए मीना अस्पताल डुमरी में ले गए हैं। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के देवगांव में 19 वर्षीय युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। युवती जयराम नगर के चावला मेडिकल स्टोर में कार्य करती थी। ड्यूटी समाप्त होने पर जब युवती घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन सुबह युवती की लाश नहर किनारे खेत में पड़ी मिली। पुलिस द्वारा आशंका जताई जा रही है कि संभवतः युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या की गई है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के देवगांव कुड़ुभाठा के नहर किनारे खेत में 19 वर्षीय युवती ममता खांडे की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजन इसे हत्या की आशंका जता रही है। युवती रोज की तरह कल जयराम नगर के चावला मेडिकल स्टोर में काम करने गई थी। शाम को छुट्टी होते ही वह अपने घर के लिए देवगांव निकली। जब शाम को ममता घर नहीं पहुंची तो परिजन पता साजी में जुटी और जयराम नगर दुकान पहुंचकर पता लगाने पहुंची तो मेडिकल संचालक ने जानकारी दी कि वह घर के लिए निकल गई है, जिसके बाद परिजन आसपास युवती का पता लगाने लगी। अगले दिन सुबह कुड़ुभाठा देवगांव के नहर किनारे एक युवती की लाश मिलने पर परिजन मस्तूरी थाने में सूचना दी, जिसके बाद परिजन ने लाश को ममता खांडे के रूप में पहचान की। युवती के साथ रेप के बाद हत्या कर लाश को खेत में फेंक दिया गया हो ऐसा प्रतीत होता है। वही घटना स्थल के आधे किलोमीटर की दूरी पर साइकिल मिला है। मौके पर पुलिस ग्रामीण DSP NS चौबे और फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड के साथ घटना स्थल पर पहुंची, जहां मामले में आगे की जांच जारी है। लोहरदगा में ललित नारायण स्टेडियम में रविवार को 63वीं राज्य स्तरीय ओपन एथलेटिक मीट शुरू हुई, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों के 700 खिलाड़ी पहुंचे। प्रतियोगिता में दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक, गोला फेंक, बाधा दौड़, तीरंदाजी, राइफल शूट आदि प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। झारखंड जो है स्पोर्ट्स के लिए मक्का है और पूरा झारखंड में लोहरदगा स्पोर्ट्स के लिए एक मक्का माना जाएगा, और ये एथलेटिक मीट जो है झारखंड का ओलंपिक टाइप का है। ज़रूर जो है इसमें संसाधनों का अभाव है और उस पर पूरा सरकार की तरफ से सब लोग वर्क कर रहे हैं और जल्दी ही निराकरण हो जाएगी। एंड इस तरह के पॉजिटिव रूप में अपना एनर्जी इसको डाइवर्ट करने से झारखंड जिस इससे पीड़ित है नक्सलवाद, और उससे हम लोगों को डाइवर्शन इसमें बहुत मिलता है और यंगस्टर्स को अच्छा हौसला बढ़ता है। रतलाम के जावरा में महिला प्रसूति गृह की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसको हमने अपने कैमरे में कैद किया।
लेकिन यह लापरवाही कब तक होती रहेगी मरीजों के साथ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जननी के लोग जो कि परिजनों को लेकर नहीं जा रहे हैं और अपनी परेशानी बता रहे हैं, या अस्पताल प्रबंधन जो कि कह रहे हैं कि ये गलत है, मैं कार्य वही करूंगा। आइए आपको बताते हैं पूरी खबर। जिला रतलाम कहने को तो मध्य प्रदेश की ज्यादा आबादी वाली बड़ी तहसीलों में से एक है, लेकिन यहाँ महिला प्रसूति गृह जावरा की व्यवस्था की बात करें तो साफ नजर आ रही है यहाँ का हाल कैसा है। अब ये देखिए, जननी एक्सप्रेस के ड्राइवर सूट बूट और आंखों पे सनग्लास लगाकर खड़े हुए हैं, और जब मरीजों को ले जाने की बात आई तो कहते हैं 3 माह से भुगतान नहीं किया गया है, हम नहीं ले जाएंगे मरीजों को। उधर मरीज परेशान हो रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं वो तो प्राइवेट वाहन करके ले गए, और जिनके पास पैसे नहीं हैं वह इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन के इंतजामों की दुरुस्ती कैसे हो पाएगी ये तो पता नहीं, पर सुबह से परेशान हो रहे मरीज और उनके परिजन को ना कोई देखने आया ना इंतजाम कराने। अब जब जननी एक्सप्रेस के ठेकेदार से बात की तो बताया कि हमारे पास डीजल के पैसे नहीं हैं और इसकी सूचना हमने 4 दिन पहले ही दे दी थी। पूरे मामले में जिम्मेदार कौन है, कोई अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा। ऐसे में जावरा के सिविल अस्पताल व महिला प्रसूति गृह के प्रभारी का कहना है कि एक बिल में कहीं दिक्कत आई तो हम उसे दिखवाएंगे, लेकिन सारी गाड़ियां नहीं रोकनी चाहिए थी। यदि किसी मरीज को परेशानी आई तो हम इसके विरुद्ध FIR दर्ज कराएंगे। पेमेंट नहीं मिला, कितना टाइम से मिला? 3 महीने हो गए। क्या कारण है? लेटर दे दिया, बाकी पेमेंट पहुंचाया नहीं। नवंबर माह का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है जी। जिसकी सूचना हमने 4 दिन पहले दे दी थी आवक जावक बढ़िया वेल पर कि हमारे पास ईंधन का पैसा भी नहीं बचा है, हम गाड़ी चलाने में असमर्थ हो रहे हैं, आप हमारा भुगतान कीजिए। अभी जावरा ब्लॉक में 4 गाड़ियाँ हैं। आज आपने सुबह से हड़ताल करी? हड़ताल नहीं की, हमारे पास ईंधन का पैसा नहीं है, वर्तमान में पेट्रोल के पैसे नहीं है, इसलिए हम खड़े हैं। कोई हड़ताल पे नहीं है, चन्नी वालों की गाड़ियों का बकायदा हमारे BPM के द्वारा, हमारे BE के द्वारा उनका जो भी हिसाब किताब दिया जाता है उसका शासकीय नियमानुसार उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। नोटबंदी के खिलाफ हरियाणा के टोहाना में अपना रोष व्यक्त करते हुए कांग्रेस के नेता देवेंद्र सिंह बबली द्वारा बताया गया कि राहुल गांधी के निर्देशानुसार हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर अपना विरोध दर्ज कराएगी। साथ ही बताया कि हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। नोटबंदी के खिलाफ आम जन में इतना रोष हो गया कि हर वर्ग द्वारा अपना रोष जताया जा रहा है कि फतेहबाद में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। यह बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह बबली ने डांगरा रोड स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। इस दौरान बबली ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देशानुसार प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर के नेतृत्व में फतेहाबाद सहित प्रदेश में अनेक जगहों पर नोटबंदी के विरोध में प्रदर्शन किया गया था। उस दौरान कार्यकर्ताओं में हुई झड़प के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में अनेक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदर्शन में भाग लेकर सरकार के खिलाफ आमजन की आवाज उठाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के आदेशानुसार पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में आगामी 9 जनवरी को महिला मोर्चा द्वारा इस विरोध में जिला फतेहाबाद में प्रदर्शन किया जाएगा। ये नोटबंदी BJP की सरकार मोदी जी द्वारा किया गया, उसके विरोध प्रदर्शन में पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में विरोध प्रदर्शन था, हमारे डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में था, और उसमें जनता में रोष था, इसलिए प्रदर्शन में हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे, पार्टी के सभी सीनियर लीडर साहबान भी थे। जब ज्यादा भीड़ कहीं जुड़ जाती है और सरकार के प्रति एक लोगों में रोष था, उस रोष को लेकर थोड़ा भीड़ की वजह से ऐसा कुछ नहीं था कि गुटबाजी वाला कोई इसमें मामला था। हमारे हाईकमान की तरफ से ऊपर राहुल गांधी जी के आदेश हैं कि महिलाओं का, हमारे जो महिला कांग्रेस है उनकी तरफ से एक प्रदर्शन होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पुलवामा में जहां एक ओर मौसम मेहरबान है, वहीं यहां का आम जनजीवन भारी बर्फबारी की वजह से प्रभावित है। मौसम विभाग का मानना है कि अभी कुछ दिनों तक बर्फबारी जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर सैलानियों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। सूरजपुर के पालपा गांव में फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित किसान की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। यह पूरा मामला जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का है। किसान पीड़ित राम के 3.5 एकड़ जमीन को कुछ लोगों के द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराकर नामांतरण की तैयारी की जा रही थी।
तभी किसान पीड़ित राम को गांव के ही एक ग्रामीण के द्वारा बताया गया कि आपकी जमीन को फर्जी कागज तैयार कराकर बेच दिया गया है। पीड़ित ने जब इसकी पुष्टि के लिए संबंधित पटवारी ग्राम पंचायत में जाकर पूछताछ की तो शिकायत को सही पाया। किसान ने इस फर्जीवाड़े की शिकायत पुलिस से की। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी पुरुषोत्तम अग्रवाल सहित अन्य के खिलाफ 419, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जब संशोधन के लिए ग्राम पंचायत में आया तो बीडी से बताया क्या कि तुम लोगों का तो जमीन बिक चुका है, तो फिर हम लोग वो कागज को देखे, इसके बाद इधर उधर किए, पहले सूरजपुर गए, फिर उसका नकल निकलवाए, इसके बाद ग्राम पंचायत में दिए, इसके बाद फिर थाने में दिए, इसके बाद रिपोर्ट हुआ, तब जाकर कहीं उसमें काबू हुआ। खरीदा था वो पुरुषोत्तम अग्रवाल थे, और जो बिक्री नामा किए थे वो मेरे पिताजी का जो नाना थे उसके नाम पे किए थे, जो कि वो 2010 में मर चुके थे। पीत राम के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आवेदन देने पर अपने वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी हमारे एसपी साहब डीके सिंह साहब और चंचल तिवारी एसटीओपी प्रेमनगर द्वारा टीम के साथ जांच किया गया। उस जांच पर से जेपी तिवारी और पुरुषोत्तम अग्रवाल के विरुद्ध अपराध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 भादा बी के तहत अपराध घटित होना पाए जाने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत चेरीताल इलाके में 4 जनवरी की रात कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और हिस्ट्री शीटर कुक्कू पंजाबी की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने ग्वालियर से 2 शूटर रोहित राठौर और हिमांशु बाथम को गिरफ्तार किया है। जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत चेरीताल इलाके में 4 जनवरी की रात कांग्रेसी नेता राजू मिश्रा और हिस्ट्री शीटर कुक्कू पंजाबी की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने ग्वालियर के 2 शूटर रोहित राठौर और हिमांशु बाथम को गिरफ्तार किया है। वहीं इस हत्याकांड में एक आरोपी सैयद को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक कुक्कू पंजाबी और विजय यादव के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर विजय यादव ने इस हत्याकांड की साजिश रची थी। फिलहाल मामले का मुख्य आरोपी विजय यादव और अन्य 4 लोग अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। INI न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।